सो हेलो दोस्तों, मैं हूं मिश्रा और आप देख रहे हैं जीएस एनवायरमेंट। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो जब मैं फूड चेन और फूड वेब इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ा रहा था उस वक्त भी बात किया था, बायो अक्यूमुलेशन, बायो कंसंट्रेशन और बायो एम्प्लीफिकेशन या बायो मैग्निफिकेशन। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं, वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि ये आप कॉन्सेप्ट जो है आपको ये आपको कंपटीशन में भी हेल्प करने वाला है और एकेडमिक लेवल पर तो हेल्प कर ही करेगा ही, बिकॉज ऑफ मैंने पहले ही कहा है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो मिस मत करना, लास्ट तक देखना। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, और पिछले वीडियोस को अगर नहीं देखा है तो भाई पिछले वीडियोस को पहले देख लो, क्योंकि ये जो वीडियो है ना, ये जो टॉपिक है उनका बेसिक आपको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आपको एक छोटी सी नोटिस देनी थी कि जल्द ही हम इन्वायरमेंट का टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट कर रखे हैं, और बस जब जब भी वो अपलोड हो जाए, जब भी वो टेस्ट सीरीज हम चला दें, तो बहुत इन्जॉय होने वाला है आने वाले कुछ टाइम में। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो जो है हमारा, मैंने बताया कि आपको तीन टॉपिक मिलेगा, क्या क्या है, बायो एक्यू बायो एक्यूमुलेशन, बायो कंसंट्रेशन और बायो बायो मैग्निफिकेशन या बायो एम्प्लीफिकेशन। ये हमारे टॉपिक हैं जो कि तीनों एक दूसरे से जुड़े होंगे। अब देखो, जो हमारा बायो एक्यूमुलेशन है, बायो कंसंट्रेशन है, बायो मैग्निफिकेशन है, इसके लिए मैंने बोला कि आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज जानकारी होनी चाहिए, जो मैंने पढ़ाया था फूड वेब में और फूड चेन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं फूड चेन हमारे पास कितने टाइप्स के हैं, इकोसिस्टम है। तो दो टाइप्स के इकोसिस्टम हम लोगों ने पढ़ा था। फर्स्ट इस पढ़ा था टेरेस्ट्रियल, और दूसरा पढ़ा था हम लोगों ने एक्वाटिक। ये दो टाइप के हम लोगों ने क्या पढ़ रखे हैं, हम लोगों ने पढ़ रखे हैं फूड चेन। और इन फूड चेन को सिंपल एक ही प्रोसेस था कि इधर क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर हो रहा है, इसके ऊपर डिपेंड है प्राइमरी कंज्यूमर, इसके ऊपर डिपेंडेंट है सेकेंडरी कंज्यूमर, और इसके ऊपर डिपेंडेंट है टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम जरा सा टेरेस्ट्रियल का भी स्टार्ट करते हैं। टेरेस्ट्रियल में हमने पहले बोला कि हमारा प्रोड्यूसर आएगा, तो प्लांट मान लो लिख लिया, प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है इंसेक्ट, इंसेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है हेन यानी मुर्गी, और मुर्गी के ऊपर डिपेंडेंट है ह्यूमन। ठीक है, फिर आ जाओ एक्वेटिक में भी हम बात करते हैं। एक्वेटिक में हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, फाइटोप्लैंक्टन्स जो कि प्रोड्यूसर्स है, फिर उसके ऊपर आता है जू प्लैंक्टन, फिर आता है डायटम्स, फिर आता है क्रस्टेशियन, फिर आता है हमारा फिश। ठीक है, तो मैं इस तरीके से कुछ इसको लिख दे रहा हूं। आई होप आपको सब क्लियर विजिबल हो रहा होगा, लेट मी चेक। ओके, तो आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो रहा है, थोड़ा सा ये तिरछा चला गया तो उससे मैं में मतलब है। अब देखो बात आती है कि इन्वायरमेंट में पॉल्यूटेंट जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो दो टाइप्स के पॉल्यूटेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, फर्स्ट मिलता है बायोडिग्रेडेबल और दूसरा होता है बायो नॉन डिग्रेडेबल। क्या होता है, नॉन डिग्रेडेबल। अब मेन जो काम है ना बायो एक्यूमुलेशन, बायो कंसंट्रेशन और बायो मैग्निफिकेशन का, वो बायो पॉल्यूटेंट का काम है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट जो है वो तो डिग्रेड हो जाता है, वो तो क्या होता है कि डिग्रेड हो जाता है, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा पॉल्यूटेंट जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, अगर समहाउ वो हमारे फूड चेन में आ जाता है तो क्या होता है, इस प्रोसेस को लेके ये तीनों कॉन्सेप्ट हैं। तो चलिए बात करते हैं कि इफ़ द पॉल्यूटेंट विच इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल कम्स इन टू अ फूड चेन, क्या होता है, इफ़ इट इज़ इन टेरेस्ट्रियल फूड चेन, ठीक है, या फिर समझ लो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के फूड चेन में अगर वो आ जाता है तो क्या होता है। तो ऐसे प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन। ठीक है, तो जब कोई नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट किसी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के फूड चेन में एंटर कर जाए, वो सब
टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का फूड चेन हो तो वो प्रोसेस कहलाएगा बायो एक्यूमुलेशन। सेकंड कॉन्सेप्ट है आपका बायो कंसंट्रेशन। अब देखो कंसंट्रेशन का जो वर्ड है वो किसके लिए होता है, वो होता है लिक्विडिटी के लिए। हम इससे क्या मेजर करते हैं, लिक्विडिटी। जाहिर सी बात है कि कंसंट्रेशन टर्म किसी लिक्विड मटेरियल से जुड़ना चाहिए। अब आ जाओ एक्वेटिक, एक्वेटिक कहाँ क्या है, एक्वेटिक भी तो हमारा लिक्विड है। तो जब नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलिटेंट कहाँ एंटर कर जाए, कहाँ पे आपके एक्वेटिक फूड चेन में, तो ये होता है बायो कंसंट्रेशन। क्या होता है, बायो कंसंट्रेशन। इतनी चीजें क्लियर हो गई। बायो एक्यूमुलेशन कब होगा, जब टेरेस्ट्रियल फूड चेन में एंटर कर जाए। बायो कंसंट्रेशन कब होगा, जब नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलिटेंट कहाँ पे एंटर कर जाए, एक्वेटिक फूड चेन में। तीसरा कॉन्सेप्ट आता है बायो एम्प्लीफिकेशन या बायो मैग्निफिकेशन। क्या होता है, तो बायो एम्प्लीफिकेशन या बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, इसको समझते हैं कि जब ये होता है हमारा जो ये पॉल्यूटेंट है, ये पॉल्यूटेंट हमारा फूड चेन में एंटर कर जाए, और जैसे जैसे ये फूड चेन बढ़ती जाए लोअर ट्रॉफिक लेवल टू हायर ट्रॉफिक लेवल तक, लोअर ट्रॉफिक लेवल टू हायर ट्रॉफिक लेवल तक, तो क्या होता है कि इस कंपोनेंट का, इस नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट का क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि थर्ड कंज्यूमर या टॉप लेवल प्रेडेटर जो है उसके लिए ये फैटलिस्टिक हो सकता है, ठीक। तो होता क्या है, इस पूरे टर्म को समझो, पूरी डिफिनेशन को समझो कि जब बायो मैग्निफिकेशन या बायो एम्प्लीफिकेशन वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस में, जिस प्रक्रिया में कोई नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट किसी फूड चेन में लोअर ट्रैफिक लेवल टू हायर ट्रैफिक लेवल चलता जाता है, तो इसका कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। तो इंक्रीजमेंट ऑफ कंसंट्रेशन कहाँ से, फ्रॉम लोअर ट्रैफिक लेवल टू हायर ट्रैफिक लेवल, क्या कहलाता है, बायो मैग्निफिकेशन या एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफाई हो रहा है ना, मैग्निफाइड हो रहा है या एम्प्लीफाइड हो रहा है, इस तरीके से आप समझ सकते हो कि इसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे तीन टर्म क्लियर हो जाते हैं, बायो एक्यूमुलेशन, बायो कंसंट्रेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टर्मों में अंतर करना बहुत, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए इसके डिफरेंस को समझने के लिए। अब आ जाओ क्वेरी, थोड़ी सी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल में आपको DDT दिखेगा, एंडोसल्फोन, ठीक है, एंडोसल्फोन, ठीक है, फिर आपका आ जाता है मेलामाइन, ठीक, फिर आ जाता है आपका मर्क्यूरी, HG, पारा, ठीक है। तो हम इन सब के प्रॉपर्टी को, पहले तो हम इनकी प्रॉपर्टी को समझते हैं कि जो बायो एग्निफिकेशन या बायो एम्प्लीफिकेशन होगी, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, देन हम इसके एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो जरा समेटाते हैं, देन इसकी प्रॉपर्टी को समझते हैं। एग्जाम्पल आप ये नोट कर लीजिएगा, इसकी प्रॉपर्टी को समझते हैं, देन हम आगे बात करते हैं। ओके दोस्तों, तो चलो बायो मैग्निफिकेशन, बायो एम्प्लीफिकेशन दोनों एक ही है, एम्प्लीफिकेशन की प्रॉपर्टी को समझते हैं क्या है। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी जो आपकी है वो क्या है कि ये लॉन्ग लिव्ड है। क्या है, लॉन्ग लिव्ड। जैसे आप DDT का एग्जांपल देख सकते हो, DDT का मतलब डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है। दूसरी बात कि ये क्या है, वाटर सॉल्युबल नहीं है, तो नॉन वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। ये सॉल्युबल अगर वाटर में होता तो बायो कंसंट्रेशन किस बात का बनता। दूसरा क्या है कि सॉल्युबल कहाँ पर है, तो सॉल्युबल है ये कहाँ पे, फैट में। फिर आ जाओ क्या प्रॉब्लम क्या होती है इससे, इससे प्रॉब्लम होती है, ये क्या होता है, ऐसे समझ लो, इससे प्रॉब्लम होती है इनफर्टिलिटी की, एनिमल्स एंड बर्ड में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, और इसको देखा जाए तो ये क्या है, मोबिलिटी इसमें पाई जाती है। ऐसे बायो मैग्निफिकेशन या बायो एम्प्लीफिकेशन में क्या पाया जाता है, मोबिलिटी। हाउ मोबिलिटी, ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, लोअर ट्रॉफिक लेवल टू हायर ट्रॉफिक लेवल, तो हायर ट्रॉफिक लेवल तक ये गया, जाहिर सी बात है मोबिलाइज होकर ही ना गया। अब आ जाओ इसका एग्जाम्पल, मैंने बोला DDT, तो DDT को थोड़ा सा देखते हैं। DDT क्या है, इंसेक्टिसाइड है, ठीक है, पेस्टिसाइड है, ठीक है। अब इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड किस काम का आता है, जाहिर सी बात है कि ये इंसेक्टिसाइड हमने एग्रीकल्चर फील्ड पे अपने DDT का छिड़काव कर दिया, अब वो DDT कहाँ गया, वो फूड चेन में आ चुका है, वो इस प्लांट से, इस फूड से, इस क्रॉप से कहाँ गया है, एनिमल में आ चुका है, ठीक है। तो एनिमल में आ गया, तो अब ये फूड चेन में आ चुका है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये DDT हमारा जो है ये क्या आ चुका है, फूड चेन में एंटर कर चुका है, तो अब इसको हम कहेंगे बायो एक्यूमुलेशन, ठीक है। अब ये बायो एक्यूमुलेशन इस प्लांट से कहीं और इससे कहीं और गया, तो इस प्रोसेस में DDT की क्या हुई, कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई। जब कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे बायो मैग्निफिकेशन। तो देखो ये इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड है जो कि हम क्या करते हैं, पेस्ट और इंसेक्ट से बचने के लिए एग्रीकल्चरल फील्ड पर लगा देते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या आता है, इफेक्ट क्या होता है इसका, पहली बात तो ये कार्सिनोजेनिक हो जाएगा, कार्सिनोजेनिक, ठीक है, कैंसरस हो जाएगा, फिर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम देगा एनिमल एंड बर्ड्स में, फिर क्या करेगा, हार्मोन एंड एंडोक्राइन, बहुत ज़्यादा उधर लिखा रहा है, हार्मोन एंड एंडोक्राइन डिसरप्शन,
ठीक है, ये आपको दिख रहा है, लेट मी चेक। फिर एक चीज़ के बारे में और जान जाओ कि ये DDT जो है ना, इसको स्टॉक होम कन्वेंशन के अंदर रखा गया है। स्टॉक होम कन्वेंशन कब रखा गया? साइलेंट स्प्रिंग बुक थी रॉचल कैरसन की, उन्होंने लिखा था, रॉचल कैरसन ने एक बुक लिखा साइलेंट स्प्रिंग बुक, जिसके बाद से DDT को शामिल कर दिया गया स्टॉक होम कन्वेंशन में। अब स्टॉक होम कन्वेंशन का एक अलग से टॉपिक बनाऊंगा, इसको यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा। अब स्टॉक होम कन्वेंशन में शामिल कर दिया गया, जिसका मतलब ये है कि ऐसे बायो मैग्निफिकेशन या बायो एम्प्लीफिकेशन को क्या कर दिया जाए, उस कंट्री से बैन कर दिया जाए। लेकिन अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया और नॉर्थ कोरिया ये इसको टोटली बैन नहीं किया है, ठीक है, वो एग्रीकल्चरल फील्ड्स के लिए बैन किया है, बट और टोटली इसको बैन नहीं कर रहा है। तो ये सिर्फ दो कंट्री ऐसी हैं जो इसको क्या कर रही हैं, इसको बैन नहीं किया इन्होंने, ठीक है। फिर मैंने एक नाम लिया था एंडोसल्फान, ठीक है, प्रॉपर्टी उसकी भी यही है, एंडोसल्फान की भी प्रॉपर्टी यही है, ठीक, एंडोसल्फान की जो प्रॉपर्टी है उसकी भी प्रॉपर्टी यही है। 2011 में मैंने बताया कि 2011 में एंडोसल्फान को स्टॉक होम कन्वेंशन के अंदर पुट किया गया, बट ये भी इंडिया में बैन नहीं है। इसका भी प्रॉपर्टी क्या है, ये भी क्या है, इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, बाकी सारी प्रॉपर्टी यही है, एंडोक्राइन डिसरप्चर कराएगा, हार्मोनल डिसरप्चर करा देगा, कार्सिनोजेनिक होता है ये, ठीक है। बहुत ही ये बायोमैग्निफिकेशन जो है, ये बायोमैग्निफिकेशन क्या है, कैसा है, ये कार्सिनोजेनिक है, इसका जो इफेक्ट है बहुत ही फैटलिस्टिक इफेक्ट आता है, बट फिर भी ये इंडिया में बैन नहीं है। फिर मैंने बोला कि पारा, मैंने बताया था पारा, पारा से क्या होता है, मीनामाटा रोग हो जाता है, क्या होता है, मीनामाटा डिजीज हो जाएगा, ठीक। तो ये भी क्या है, ये भी एक तरीके से बायोमैग्निफिकेशन है। तो आई होप इतनी सारी एग्जांपल आपको क्लियर हो चुके होंगे। कुछ एग्जांपल मैं तब बताऊंगा जब स्टॉक होम कन्वेंशन को समझाऊंगा, तो वहाँ पे ब्रीफली एग्जांपल को समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये एग्जांपल आपको समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों को अपना शेयर करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।